तहत खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद्य पदार्थों के साथ साथ पेय पदार्थों की भी जांच कर रहा है। प्रदेश भर के फूड सेफ्टी अधिकारी फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके अलावा साफ सफाई पर भी गौर कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मिलावट खोरी पर रोकथाम के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी मुस्तैद हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चलाकर फूड सेफ्टी अधिकारी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने के अलावा फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण किया जा रहा। ये देखेंगे कि वहाँ पे एक तो हाइजीन का क्या लेवल है, सैनिटेशन कैसा है, जो चीजें यूज की जा रही है उनकी क्वालिटी कैसी है, और जो बनाने का मेथड है वो कैसा है, बनाने के बाद जो रखा जा रहा है वो किस तरह से, क्या खुले में तो नहीं रखा हुआ है, वाटर टेस्टिंग है कि नहीं, मसाले किस क्वालिटी के हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, होटल्स में जो बेकरी के चीज़ें हैं उनको रख रखाव किस तरह से हो रहा है, उन पर एक्सपायरी डेट लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। एक महीने तक चलने वाले शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिलावट करने वालों पर वार किया जाएगा। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और CMHO के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, शरबत और ठंडाई के सैंपल लिए जाएंगे। शीतल पेय में कई सारी चीजें मिलाई जा सकती है, हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, कृत्रिम रंग हो सकते हैं, हानिकारक रंग हो सकते हैं, कुछ जगह पर पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, और एक्सपायरी वाले रंग और कलर्स और चीज़ें उसमें डाली जा सकती है। इस तरह ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी होती हैं। इसके अलावा जो पानी यूज किया जा रहा है उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है कि नहीं, उसकी यूज किस तरह का है, फिर बनाने के बाद में उनके रखने का किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूशन में हाइजीन और सैनिटेशन के मानकों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। भीषण गर्मी में राहत के लिए अक्सर लोग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक समेत कई पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं, लेकिन मिलावटखोरों की मुनाफा कमाने की आदत कई बार लोगों की जान की दुश्मन बन जाती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे महासंग्राम 2024 की और रण में उतरे रंगीला की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला अब पीएम के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। श्याम रंगीला का दावा है कि चाहे कोई भी नामांकन वापस ले ले, वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। देखिए रिपोर्ट। रंगीला हुआ वाराणसी का रण, तो मैं जो है वाराणसी जा रहा हूँ कि भैया सब अगर चुनाव पर्चे सब उठा लेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तो वहाँ पे खड़ा रहूंगा। तो लोग अगर वोट करने जाएंगे तो उनको दो लोग तो एटलीस्ट दिखे, नरेंद्र मोदी, श्याम रंगीला। पीएम के सामने श्याम रंगीला ने ठोका ताल। मुझे बनारस ने बुलाया है, मैं खुद भी आया हूँ, मुझे गंगा मैया ने भी बुलाया है। मिमिक्री के लिए मशहूर है राजस्थान के श्याम रंगीला। मेरा तो पुराना नाता रहा है जी, खई के पान बनारस वाला, जो बनारस का जो पान था मित्रों, मैं शुरुआत से वो खाना चाहता था। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की उन सीट पर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी में ऐसा कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता जो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके, लेकिन मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला बिल्कुल अलग है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर पीएम के खिलाफ वाराणसी के रण में उतरने का ऐलान कर दिया। कुछ भी नहीं है, जितना आप मुझे देख रहे हो ना, मैं उतना ही हूँ। मेरे पास कोई और लड़ने जा रहे हैं कोई, मतलब हम युद्ध तो लड़ नहीं रहे हैं। जो तैयारियां भाला वाला उठाएंगे, घोड़े तैयार करेंगे, तो हाथी तैयार करें, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो लोकतंत्र में हम जो चुनाव है उसके अंदर पर्चा भरेंगे और आराम से कोई लड़ने वाली तो कोई बात नहीं है, बस हम तो दावेदारी जो है वो साबित करेंगे। श्याम रंगीला का कहना है कि जैसे हालात हैं उसको देखते हुए कोई कभी भी नॉमिनेशन ले सकता है, ऐसे में वो नामांकन वापस नहीं लेंगे ताकि जनता को वोट देने का ऑप्शन भी मिले। नहीं, नामांकन ना कोई वापस ले, इसीलिए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ही तो वही था कि भैया सूरत में जो हुआ, सूरत के अंदर
जो है कांग्रेस पार्टी ने नामांकन वापस ले लिया और बाकी सारों ने ले लिया और वहाँ पे निर्विरोध जीत गए। अब वहाँ की जनता जो है किसी को न किसी को वोट देना चाहती है। कहने का मतलब ये था कि जैसे चंडीगढ़ में हुआ, खजुराहो में हुआ, सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ और भी जगह होगा, तो वैसा वाराणसी में ना हो कहीं। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोक रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वाराणसी में पीएम को मात देना फिलहाल तो मुश्किल है। इसके बावजूद श्याम रंगीला उनके खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। आईपीएस रवि प्रकाश मेहरड़ा एसीबी के नए डीजी बनाए गए हैं, ये बड़ी सूचना इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईपीएस रवि प्रकाश ने सरकार का इसे लेकर आभार भी जताया है। न्यूज 18 से बातचीत में रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा, पूरी शिद्दत से नई जिम्मेदारी निभाऊंगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर जनता की सेवा करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति एसीबी की ओर से दिखाई जाती है, इसी का दावा एक बार फिर से किया गया है, सुनाते हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें एसीबी का डीजी बनाया गया है। रवि प्रकाश जी, सबसे पहले आपको न्यूज 18 की तरफ से शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं आप, राजस्थान की सरकार कह रही है, देश की सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। धन्यवाद। देखिए अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और राज्य सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। और एक बार ज्वाइन करने के बाद फिर किस तरह से काम को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, ये बाद में तय होगा। सर, 1990 से लगातार आप राजस्थान को सेवाएं दे रहे हैं, एक बड़ा अनुभव है, साथ साथ में आपके पास में राजस्थान में आधुनिक जो क्राइम है साइबर, उसको ले उसकी जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया, तो किस तरीके से नए चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे अब आप? देखिए, जो भी सरकार में जब हम नौकरी में आते हैं तो जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निर्वहन करना, पूरा तन मन से, वे हर एक से एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी की एक ड्यूटी होती है, तो उस ड्यूटी को कोशिश की है कि उसी तरह से निभाया जाए। तो आगे भी जो भी अब ये जो नई जिम्मेदारी मिली है इसको भी पूरे अपने तन मन से हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं गवर्नमेंट के को पूरा करें। सर, बात करने के लिए शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी को, जो कि जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एसीबी डीजी के तौर पर, और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की बात भी कह रहे हैं। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के लगातार जो है वो काम किया जा रहा है, और अफसरों को एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को भी आज एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी गई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा ने पुलिस पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। फलोदी में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे के विरोध में आज जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करण सिंह ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मतदान बूथों पर कब्जा किया, फर्जी मतदान किया गया। करण सिंह ने उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद मामले में उग्र आंदोलन और सड़कों पर घेराव करने तक की चेतावनी दी। सुनिए। जनता पार्टी ने पुलिस के साथ मिलकर के जो दांधलियां करी है और हमारे लोगों को, एजेंटों को पीटा है, जगह जगह मारपीट करी है, और एक तरफा पुलिस ने कार्रवाई करी है, जिसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पिछले दिनों बैंती कला गांव में, जहां 90% कांग्रेस विचारधारा के वोट है, और पड़ोसी गांव के लोगों ने आके हमला कर दिया, पत्थरबाजी करी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मात्र 11 लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ के ले आई, उनको रात भर ठोका, दो दिन तक उनको शिकायतों में पेश नहीं किया। और जब हमने जाकर के एसपी से बात करी तो हमसे और धरना दिया, तो उन्होंने समझौता किया कि हम अब आपका इसका अरेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग जांच करके अरेस्ट करेंगे। हमारी तरफ से एफआईआर दी गई, उसको दर्ज नहीं करी, उन्होंने कहा दर्ज कर देंगे। जिस पुलिसकर्मियों ने ठोका और कुछ कार्यकर्ताओं के नाखून उखाड़ दिए, उनको कहा गया कि हम इसको लाइन हाजिर कर देंगे। पुलिस वादा करके मुकर गई है और हम इसलिए आपके बीच वापस आए हैं। और यहाँ पे जो बीजेएस का घटना है, बीजेएस वाली घटना, उसमें भी पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई करी नहीं है। आपके मार्फत प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अगले 2-3 दिन में आप कानूनन और हमको न्याय प्रदान कर दें, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे और कानून की अव्यवस्था हुई तो आप जिम्मेवार होंगे।
तो वही बूंदी के केशव राय पाटिल से कांग्रेसी विधायक सीएल प्रेमी ने अपने ऊपर लगाए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोपों पर सफाई देते हुए पलटवार किया और कहा कि चुनाव में मिली हार से बौखला गई है, इसीलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता चंद्रकांता मेघवाल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था और इसी को लेकर पलटवार किया गया। 2018 का केशवराय पाटिल का बना हुआ है, 2008 का कोटा का बना हुआ है और 1970 का मेरा छबड़ा का सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसमें मैंने समाज कल्याण में एडमिशन लिया था। तब प्रेमचंद सिंघवी जी वहाँ के MLA थे, उनका भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि अभी तो कबाड़ी है, कहीं ना कहीं पुराने दस्तावेज ला करके और प्रस्तुत कर दिया। तो मेरा तो यही मानना है कि द्वेषतापूर्वक जो भी कार्रवाई कर रहे हैं ये द्वेषतापूर्वक ही कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रकांता चुनाव हार गई, वो ये चाहती थी कि मैं चुनाव जीत जाती तो मैं मंत्री बनती या डिप्टी CM बनती, ये चक्कर में इन्होंने आ रहे हैं। तो ये मेरे खिलाफ़ एक षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इसको भेष बना करके इसको। और अब बात करेंगे 1 करोड़ के हनी ट्रैप की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नगरपालिका चेयरमैन हनी ट्रैप में फंस गए। आरोप है कि एक महिला ने फोन कर उन्हें मिलने के लिए बुलाया, कमरे में बुलाकर अपने साथियों के साथ अश्लील वीडियो शूट किया। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रुपए भी मांगे गए। देखिए रिपोर्ट। हनी ट्रैप का शिकार हुए नगर पालिका चेयरमैन, महिला ने मिलने बुलाकर बनाई अश्लील वीडियो, वीडियो वायरल करने की दी धमकी, वीडियो के एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग। सवाई माधोपुर जिले के खिरणी नगर पालिका के अध्यक्ष रूप सिंह डाई को हनी ट्रैप केस में फंसाने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन रूप सिंह डाई ने 29 अप्रैल को कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आप बीती बताई कि कैसे एक महिला ने फोन कर उन्हें कमरे पर मिलने के लिए बुलाया और वहां पहले से मौजूद उसके साथियों ने जबरन उनकी अश्लील वीडियो बनाई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की मांग भी की। हिरनी नगर पालिका चेयरमैन रूप सिंह गुर्जर ने एक तहरीरी रिपोर्ट थाने पर आकर पेश की, जिसकी सूचना मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एडिशनल साहब CO साहब उनको दी। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम थाने से टीमें गठित करवाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चेयरमैन को जंगल ले गए, लेकिन किसी तरह उसने अपनी लोकेशन परिवार वालों को भेज दी, जिसके बाद भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद परिजनों के साथ चेयरमैन ने कोतवाली पहुंचकर आप बीती बताई। ममता गुप्ता ने भी घटना की जानकारी ली और मामले के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र और मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सहायता से आरोपियों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। सवाई माधोपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। भीलवाड़ा में राजसमंद SEBI की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम विकास अधिकारी को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। ग्राम पंचायत निगड़िया के खेड़ा विकास अधिकारी रामलाल को ट्रैप किया गया है। पट्टा जारी करने के लिए रामलाल माली ने रिश्वत मांगी थी। कुल 1,35,000 के डमी और 15,000 के असली नोट इसमें शामिल थे। ट्रैप के बाद रामलाल माली को गंगापुर थाने लाया गया है। आरोपी के ठिकानों पर SEBI की ओर से सर्च अभियान अभी भी जारी है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार SEBI की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई दे रही है और इसका एक और एग्जाम्पल और तस्वीर आपके TV स्क्रीन पर है, जहां पर SEBI ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डमी नोट और 15,000 के असली नोटों के साथ रिश्वत लेते हुए आरोपी रामलाल माली को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में लाकर रामलाल माली से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ
जांच लगातार जारी है। उसके घर से लेकर अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त एसीबी की टीम पहुंची हुई है, जहां पर दबिश देते हुए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2021 पेपर लीक मामले में गुरुवार को एसओजी ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेश किया। ये चार्जशीट 2369 पन्नों की है, जिसमें एसओजी ने 17 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश बिश्नोई समेत कुल 25 आरोपियों के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। करीब दो महीने पहले एसआई पेपर लीक का पर्दाफाश हुआ। जांच के बाद कई लोग गिरफ्तार किए गए। इस केस में एसओजी ने 25 आरोपियों के खिलाफ 2369 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जिन 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें 17 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं। एसओजी ने आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत पेश किए हैं। चार्जशीट में एसओजी ने नकल माफिया और ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ 6 नई धाराएं जोड़ी है, जिनमें 470, 470 ए, 408, 409/34, 201 और 120 बी आईपीसी को शामिल किया गया है। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट को 4 मई को आरोपी पक्ष को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पर बहस होगी और ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट नकल प्रकरण में अपना फैसला सुनाएगा। गुरुवार को चार्जशीट पेशी के दौरान एसओजी के 3 आरपीएस अफसरों समेत 15 पुलिसकर्मी कोर्ट पहुंचे थे। आपको बता दें कि 859 पदों पर एसआई भर्ती परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच राजस्थान में आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में 14 और 15 सितंबर को जयपुर में हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से पेपर आउट करवाया गया। आरोप है कि इसमें केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल ने पेपर माफिया का सहयोग किया। प्रदेश में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही पेपर लीक प्रकरणों की जांच और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एसआईटी की घोषणा की गई, जिसकी जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को सौंपी गई थी। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने भले ही 2 महीने में 25 आरोपियों के खिलाफ जांच कर चार्जशीट पेश कर दी है, लेकिन एसओजी की इस पेपर लीक कांड की जांच पर ब्रेक नहीं लगा है। ये जांच जारी रहने वाली है, जिसमें आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी एसओजी की तरफ से देखने को मिलेगी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। हुआ, लेकिन सरकारी मशीनों की अनदेखी के चलते यहां पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अजमेर रोड पर बस टर्मिनल बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा। देखिए रिपोर्ट। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बढ़ती बसों की तादाद और ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए शहर के चारों हिस्सों में बस टर्मिनल बनाने का फैसला लिया गया, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन इन बस टर्मिनलों का फायदा नहीं मिल पाया है। अजमेर रोड वेस्ट वे हाइट योजना में बस टर्मिनल बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने के चलते यहाँ से बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। करोड़ों रुपया खर्च कर इस तरीके का एक जो बस टर्मिनल है अजमेर रोड के ऊपर बनाया गया है। इस अजमेर रोड के ऊपर बस टर्मिनल बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि जो अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अहमदाबाद की ओर से आने वाली जो बसें हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनका संचालन यहां से हो सके। लेकिन सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम के आगे ये जो बस टर्मिनल है हाफता हुआ नजर आ रहा है। इस बस टर्मिनल का निर्माण हुए करीब 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाया है। अजमेर रोड 200 फीट बाईपास पर सुबह और शाम जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। अगर अजमेर रोड बस टर्मिनल शुरू होता है तो यहां से गुजरने वाले राहगीरों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से राहत मिलेगी, तो वहीं इन बसों में सफर करने वाले पैसेंजर्स को बेहतरीन सुविधाएं भी मिल पाएंगी। इस बस टर्मिनल से रोजाना 500 से ज्यादा बसों का संचालन किया जा सकता है। आपको बता दें कि सिंधी कैंप बस डिपो से न केवल राज्य के अंदर बल्कि दूसरे राज्यों में बसें आती जाती हैं।
यही वजह है कि यहाँ पर यात्रियों की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है, जिसके चलते जाम के हालात बने रहते हैं। समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने सीकर रोड पर, अजमेर रोड पर, टोंक रोड पर और आगरा रोड पर अलग से बस टर्मिनल बनाने का फैसला लिया था, लेकिन हाल फिलहाल अजमेर रोड स्थित बस टर्मिनल का ही काम पूरा हो पाया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, धौलपुर से बड़ी खबर है, अवैध अस्पतालों पर गाज गिरेगी। संयुक्त टीम ने दो अस्पतालों का निरीक्षण किया, अवैध अस्पतालों नर्सिंग होम क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया। गहनता से जांच के लिए प्रशासन ने निरीक्षण किया, सैपऊ रोड स्थित मां भगवती चिकित्सालय की जांच की गई। अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था ये अस्पताल और निरीक्षण के बाद कई खामियां भी पाई गई। सफाई कर्मचारी मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए, सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर, जहाँ पर मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी कर रहे थे। वाटर वर्क चौराहे पर ये भारत हॉस्पिटल स्थित है, जहां पर जब निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे तो भारी अनियमितताएं पाई गई। तो बड़े ऑपरेशन वहां पर डॉक्टर्स नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, वहां पर मरीजों का इलाज सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब इन सभी अस्पतालों पर गाज गिरने वाली है, जो अनियमितताएं बरतते हैं, जो ठीक तरीके से मरीजों का इलाज नहीं करते, जिन अस्पतालों में लापरवाही मिलती है। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। और अलवर एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में जिला आबकारी अधिकारी पर 3 लाख रिश्वत लेते हुए आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। जिला आबकारी अधिकारी सुरेश यादव को आज न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी सिंह की आवाज पर दोपहर बाद शाम 5 बजे पेश किया गया, जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिश्वत के आरोपी जिला आबकारी अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आरोपी जिला आबकारी अधिकारी सुरेश यादव ने परिवादी से शराब ठेके के लाइसेंस शुदा दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने के एवज में 3 लाख की रिश्वत ली थी, जबकि 3 लाख रुपए पहले से एडवांस लिए जा चुके थे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, परीक्षाओं में सरकार को चूना लगाने और छात्रों को नकल कराने वाले गैंग का सरगना फरार चल रहा है। ये लोग पेपर सॉल्व करने के करीब 10 से 15 लाख रुपए लिया करते थे। गैंग का सरगना अमित भास्कर रुपयों का 50% हिस्सा लेता था, जबकि पेपर सॉल्व करने और कंप्यूटर हैक करने वाली टीम को 25-25% की हिस्सेदारी मिलती थी। कोस्ट गार्ड पेपर में नकल गैंग के पकड़े जाने के बाद कोटा की एसआईटी टीम को कई बड़ी जानकारी मिली, तो वहीं अमित भास्कर की तलाश जारी है। 20 और 21 अप्रैल को ऑनलाइन सीजीईपीटी परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें भी बड़े फर्जीवाड़े की आशंका है। वहीं गिरफ्तार सभी 6 आरोपी 5 दिन के लिए रिमांड पर लिए गए हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि 60 से 70 के दशक में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। युग भले ही बदल गए हो, मगर हालत नहीं बदले हैं। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बाड़मेर जिले के एक गांव में नौनिहाल टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर है। ये रिपोर्ट है। जब धधकती है जमीन और आग उगलता है आसमान, टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल, स्कूल जाते बच्चों की ये तस्वीरें फील गुड कराती हैं। इन तस्वीरों को देखने पर लगता है कि बेरोजगारी के आंकड़े चाहे जितने बढ़ रहे हों, लेकिन अक्षरों के प्रति लोगों के मन में सम्मान अब भी बरकरार है। तभी गांव देहात के लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं और बच्चे भी खुशी खुशी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए स्कूल जा रहे हैं। अब इन बच्चों का स्कूल देखिए, तापमान 40 डिग्री पर है या पार हो चुका है।
ऐसे समय में मौसम विभाग बाहर निकलने या भीषण गर्मी में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह देता है, लेकिन बाड़मेर के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। अक्षर ज्ञान के लिए इन्हें प्यास और पसीने का दरिया पार करना ही होता है। सर्दे आप देख रहे हो, इधर बच्चा भी परेशान है, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है, होली भी जी बनी नहीं है। स्कूल बारे में आता जोड़ कर माना सरकार जो सभी को दे सके, हमारा बच्चा परेशान आप देख रहे हो। टीन शेड में पड़ रहे बच्चों की तस्वीर है बाड़मेर शहर से महज 20 किलोमीटर दूर शिवपुरा की। ना कक्षा, ना शौचालय और ना पीने का पानी। भवन नहीं होने से मिड डे मील का पोषाहार को भी पास की ढाणियों से पका कर लाना पड़ता है। स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं जिनके लिए 2 टीचर हैं। छुट्टी के बाद बच्चे कुर्सी और दरी पास के घरों में रख कर आते हैं, दूसरे दिन वापस लेकर आते हैं। अभिभावक परेशान हैं और हाथ जोड़कर जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं। अच्छा तो वो परेशानियाँ मेरे बच्चा के वास्ते स्कूल नहीं बढ़ रही है। अच्छी तरह में माना स्कूल बढ़ानी है तो कोई भी माना सो भी तो है, मैं तो बूढ़िया तो मजबूर तो चले जाएंगे, मेरा पोता पोती तो वही परेशान हो रहा, मैंने सड़क बगड़ाएंगी आज तक तो अब हुआ नहीं, हमें बन रही हुए। स्कूल खोलने के लिए भवन की स्वीकृति 2 साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन अब तक स्कूल के लिए भवन नहीं बना। अभी तक भूमि आवंटन नहीं हो पाई, भूमि आवंटन में नहीं होने के कारण भवन निर्माण के प्रस्ताव राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के नहीं भेजा गया। आज जैसे ही अखबार के माध्यम से, उच्च अधिकारी के माध्यम से जैसे ही निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमने भूमि आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्ण करवाने के हेतु मैंने अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है। ग्रामीणों के पास मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आइए उम्मीद संजोएं कि किसी संवेदनशील जिम्मेदार तक परेशान करने वाली तस्वीरें पहुंचें और बच्चों को पढ़ने लिखने की बुनियादी सुविधाएं हासिल हो सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पाताल वाले गड्ढे का आखिर राज क्या था। बीकानेर के सहज रासर गांव में 1 बीघा जमीन के अचानक धसने का रहस्य भारतीय भू सर्वेक्षण टीम ने खोज लिया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में कम बरसात और ट्यूबवेल के जरिए ग्राउंड वाटर का दोहन इसकी बड़ी वजह हो सकती है। इस रिपोर्ट में समझिए। सोलह अप्रैल को बीकानेर के लूणकरणसर में 1.5 बीघा जमीन अचानक 100 फीट नीचे धस गयी। इसके बाद वहां गहरा गड्ढा हो गया जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच GIC टीम ने प्राथमिक रिपोर्ट SDM को सौंपी है। उसके मुताबिक बरसात की कमी के चलते ग्राउंड वाटर का रिचार्ज न होना इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से ट्यूबवेल के जरिए पानी निकाला जा रहा है वो भी समस्या को बढ़ा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो 3 सदस्यीय टीम आई थी उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। तो मुताबिक रिपोर्ट ये सामने आया है कि सहजरासर इलाके में भूजल का जो दोहन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। अतिरिक्त दोहन की वजह से और नीचे जो सबस्ट्राटा जो एरिया है लैंड का उसमें धसाव हुआ है। भू अधिकारियों का मानना है कि पानी का स्तर नीचे होने के चलते जमीन धसी है, जबकि इस मामले में जुड़े दावे जो आ रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस घटना के बाद अब प्रशासन भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की बात कर रहा है, यानी कि इस रिपोर्ट के साथ ये तो साफ हो ही गया कि जमीन के धसने के असल वजह क्या है। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बड़ी सफलता मिली है। डीग जिले के बहज गांव में ASI को खुदाई में शुंग कालीन, मौर्य कालीन और महाजनपद कालीन और महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। बहज गांव में 4 मई से खुदाई जारी थी, खुदाई का काम अभी भी चल रहा है। माना जा रहा है कि बहज से पहले भारत में अब तक 700 ईसा पूर्व अश्विनी कुमारों के प्रमाण नहीं मिले। हजारों साल पहले यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान होने के प्रमाण भी मिले हैं। हवन कुंड से निकली मिट्टी को अलग रखा जा रहा है जिसे त्रिशेष महत्व की माना जा रहा है।
हवन कुंड में धातु के औजार और सिक्के भी मिले हैं। 10 जनवरी से खुदाई शुरू की गई, मिले अवशेषों को जयपुर कार्यालय भिजवा दिया गया है और ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं कि महत्वपूर्ण अवशेषों को डीक संग्रहालय के नंद भवन में गैलरी बनाकर प्रदर्शित किया जाएगा। अक्सर आपने कुंभ के मेले में तमाम साधु संतों को अजब गजब मुद्रा में योग करते देखा होगा। सिरोही के जावाल गांव में ऐसा ही एक कठिन तप इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां 12 साल से ऊपर एक साधु एक हाथ ऊपर करके योग साधना कर रहे हैं। साधु से मिलने के लिए कई श्रद्धालु आते हैं। महात्मा का कहना है कि साधना के मकसद मनुष्य कल्याण और गोवंश का संरक्षण है। सुनिए आप। के थ्रू लोग देखते हैं कि भारत के अंदर ये ऋषि मुनि भी महान तपस्या करते हैं, तो उनके संदेश से हमारे पास कोई भी आता है कि भी महाराज जी साधना कर रहे हैं, हम शिव साधना करते हैं, हमारी हम तो ऐसी साधना ये पूरे भारत के लिए करते हैं, साधु को कुछ नहीं चलते, हमारा भारत सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। कितने साल बाद चलेगा ये? मेरा आजीवन का संकल्प है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।